हम रमज़ान की डेकोरेशन के लिए ये अमेज़ोन से ख़रीदी थी कट इन लाइट्स, और जो कि इस तरीके से होंगी इंशाल्लाह। इस पे आलिया एक्साइटमेंट में महीने से लेकर रखी हुई है, तो एक्साइटमेंट में इसने इसके ऊपर इतना कुछ लेकर डालो और बना डालो। तो हमारी ये वॉल है जिस पे हम लगाएंगे, और यहाँ पे ऐसे लाइट रहेंगे। मैंने हर चीज़ सजानी करनी है, यहाँ पर बैठ के मेरी इबादत होगी। काबा शरीफ इस तरफ है, ऐसे है, तो हमारी इबादत सारी यहीं पे होगी इंशाल्लाह। और मैंने यहाँ पे ये भी बिछा दिया है, और इसके साथ साथ मैंने शीन से अपने लिए यहाँ पे बिछाने के लिए एक छोटा सा रग भी लिया है। और ये मेरी टेबल है जिसमें रखी हुई, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे डेकोरेट करूँगी इंशाल्लाह। और कल पिलर होता है, तो चलो हम आज ही स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल यू आर एक्साइटेड ओवर हियर, बहुत एक्साइटेड। यू कैन ओपन इट नाउ, ओके? फ्रॉम हियर। Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Aliyar. Aliyar ne apne pyare haathon se khol diya hai. Mashallah. It's a light. What is that? It's a light. Oh, wow. It's just the lights, Himachal. Can we open them and see? देखते हैं कैसे होता है, तो मैं खोल के आपको तो लाइट्स कुछ ऐसे लगी है, क्योंकि मेरे पास दूसरी हेल्प नहीं है, तो फिर ऊपर नीचे हो गया है। तो आई थिंक दैट्स टोटली ओके। इनको अभी खोलना है, भी नीचे आ जाएंगे। मैं भी वॉक बड़ा नहीं है, छोटा सा है, जस्ट दैट के लिए डेकोरेशन के लिए मंगवाया था। ऐसे इतना सा, इट्स वेरी क्यूट, बहुत अच्छा भी लग रहा है। इसी के यहाँ पे जो डेकोरेशन की है, सस्ता भी था, सेल पे था, ये इसके भी प्राइस मैंने बताई थी। और कैसे तो ये डेकोरेशन ऊपर हो गई, फिर सब फिर आपको डाउट करने के लिए बड़ा तो ऐसा नहीं। इसका बड़ा मैंने मंगाया था यहाँ पर रखने के लिए, इसमें कुरान पाक डाल के पढ़ूँगी, क्योंकि मेरे सिपारे होते हैं, कुरान पुरान ही होता है, तो सिपारे मैंने लगाने के लिए, अच्छी जगह लगाने के लिए लिया था। फिर तो छोटा सा है, तो अभी सोच रही उसमें तस्वीर वगैरह रख सकती हूँ मैं, या फिर मंजिल हो या कुछ भी रख सकती है। तो डेट्स डालने के लिए कुछ सी वो है, और प्लान तो बस दिया।
उसे तो आते हैं तो कुछ है कि मीडिया वाला जो तक अपने प्लान कर नहीं दे सकते तभी प्लान में उसको तो मेरा क्यूट सा इबादत करने की जगह बन चुकी है और यहाँ पर मैं बैठ के इबादत किया कर अभी भी यहाँ पर मुझे इसमें फ्लावर डालने हैं डिजिटल फ्लॉक होने का शुरू रखूँगी यहाँ पे टाइम के लिए और कुरान पाक का लगा ऑब्वियसली तस्वीर वगैरह होंगी तो इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएगा कितनी प्यारी लग रही है पर यार देखो तेरा ऐसा कुछ हो गया है बड़ा खूबसूरत हो गया मुझे इतनी मोहब्बत हो गई अपने इस कोने से तो बता नहीं सकती बस ये काम होता था कि इनको मैंने चेंज कर लिया क्योंकि एक बार वाली मैं पास होती सारे लुक के साथ ना मेरा जरूर चाहिए मुझे नहीं पता था इसके ऊपर आ जाएगी पर सो हैप्पी लग रहा था शाम को बिल्कुल और ये इसको हार गया तो ऐसे दो मेरे पास के शुरू हो गया मैं इसके बैठ के इबादत कर सकती हूँ लगभग सब फाइन थे जानती हूँ कि मैंने चीज़ें कहाँ कहाँ से ली हैं ये शीन से आए हैं आई थिंक ये भी मैंने शीन से ही लिए थे और ये कुशन के लिए कुशन आने के लिए फिलर के बगैर कवर जो है इसका वो भी शीन से आया था सब चीज़ें भी शीन से हैं ये अमेजोन से हैं लाइट से जो फेयर लाइट्स हैं तो ये भी अमेजोन से हैं और ये शीन का है ये भी शीन के हैं और ये जो है आइकिया से मैंने लिया था इसकी अभी कैंडी मुझे चाहिए अंदर के लिए चाहिए वो भी लूँगी और इसमें तो खजूर डालूँगी रोज़ अफ्ताव करने लगेंगे तो इन शाला यहाँ पर अपनी करूँगी इबादत भी यही करूँगी ये भी मैंने आइकिया से ली थी एक छोटी सी मेरी है टेबल ये मेरा शीन से ये भी आया अभी तक इसमें तो मेरा माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत सी सेटिंग हो गई जहाँ मैं बैठ के इबादत कर रही इंशाल्लाह सब कुछ आलियार से आया जहाँ पर मैं ना झाड़ू लगाती हूँ उसके बाद उसको डन करती हूँ और ये स्टैंड मैंने इसलिए ली है इसके साथ मैचिंग भी होती थी प्लस मुझे चाहिए होती है मतलब जैसे मैं कौन था कोई टाइमिंग का नहीं पता लगता कि मैं यहाँ पर रख सकती हूँ कोई जिक्र कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे चाहिए हो तो ये उसके लिए है और ये तो अपने स्टैटिक के लिए मैंने लिया है बड़ी खूबसूरत है तो देखिए अभी भी सेटिंग कर रही हूँ तो यार कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ तो इस तरीके से और इसलिए मैंने कौन पा के लिए बड़ी सी मोबाइल थी पर मेरे लिए छोटी साइज़ में आ रही है तो इसमें मैं रख तो नहीं सकती पर मैं मंजिल करती हूँ अपनी वो इसमें रख सकता हूँ बड़ा तो मेरे सास में मेरे पास छोटे भी हैं तो अलहमदिल्ला वो इसमें आ सकता है हाँ ये मंजिल भी मैं कुरान पाक इसमें आई है माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है और इस कुरान पाक को मैं यहाँ से ऐड कर दूँगी इस तरीके से ठीक है इसको मेरी फेयर लाइज में अटकाई नहीं है लाइक जो गाल काम किया हुआ है लगाई नहीं है प्रॉपर तरीके से तो चल रहा तो इस तरीके से ये लग चुका है और अब मैंने दिखा दिया आपका माशाल्लाह से इसलिए बड़ी बहुत खूबसूरत
लीस्ट ये बास्केट मैंने यहाँ से उठाई थी, इसमें जाना नाजा रखने के लिए मैंने ली थी। बहुत ही खूबसूरत थी और मैंने अपने ग्रुप के साथ भी किसी तक जा रही थी, उसको मैं सोची कि यहाँ पे रखूँगी बल्कि पड़ रही थी। तो मैं सोची कि रिपोर्ट करके मैं तुम्हारे में स्टार्ट करती हूँ। मेरा बिल्कुल भी नहीं लगा, इसमें जाएगी हम।